नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रिमाइस में। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें मैंने कुछ टॉप क्वेश्चंस को शामिल करने का प्रयास किया है, जिसे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। मुगल साम्राज्य, क्वेश्चंस एंड आंसर, वन लाइनर है सब। पहला प्रश्न देख लेते हैं, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। इसी पद्मावत पर आधारित पद्मावती मूवी भी आया था, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो शेरशाह सूरी, जो सूरी वंश का शासक था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया, तो हुमायूं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की। इसका आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध। अगला प्रश्न कल देख लेते हैं, बिलग्राम के युद्ध को दूसरा किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा कन्नौज का युद्ध। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था। इसका आंसर होगा रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है। इसका आंसर होगा मुबाइन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था। इसका आंसर होगा A.L. श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जापती प्रणाली का जन्मदाता कौन था। इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर की जति का क्या नाम था। इसका आंसर होगा सैन्य कुशलता। यहाँ पर जति है, यहाँ पर जीत आप लोग लिख लीजिएगा, जीत होगा, जति हो गया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था, तो सैन्य कुशलता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जवाबित का संबंध किससे था, तो इसका आंसर होगा राज्य कानून से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था। इसका होगा आंसर होगा कंधार, जो अभी अफगानिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। इसका आंसर होगा अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है। इसका आंसर होगा पंचमहल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए। इसका आंसर होगा, देख सकते हैं, कछवाहों के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया। इसका आंसर होगा बीजापुर व गोलकुंडा, जो कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। इसका आंसर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगलों को नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिला। इसका आंसर होगा पारसियों से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा बीबी का मकबरा या शबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। इसका आंसर होगा औरंगजेब। और इसी से आप लोग पता लगा सकते हैं, जितने लोग बोला करते हैं कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था, तो ऐसा नहीं था। हाँ, कुछ उसकी नीतियाँ ऐसी थी जो उस तरह की थी, लेकिन बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ नहीं था। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है। इसका आंसर होगा पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका आंसर होगा ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। इसका आंसर होगा बाबर की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ। इसका आंसर होगा अकबर के काल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ। इसका आंसर होगा फैजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका आंसर होगा अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनको रहीमन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, रहीम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था। इसका आंसर होगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। इसका आंसर होगा दसवंत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धर्मत का युद्ध कब हुआ। इसका आंसर होगा 1628 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धर्मत का युद्ध किन के बीच में हुआ,
इसका आंसर होगा औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल मक्का कहा जाता था? इसका आंसर होगा सूरत, जो गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एतामद उद दौला का मकबरा कहाँ है? इसका आंसर होगा आगरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एतामद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? इसका आंसर होगा नूरजहाँ ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? इसका आंसर होगा मेवाड़ ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा शेरशाह ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर ने कथा भरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तानसेन को। इसका आंसर होगा किसकी? तो कथा भरण वाणी, कथा भरण वाणी, अपने तरफ से इसके उच्चारण को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है किस मुगल शासक ने कहा था? इसका आंसर होगा जहांगीर ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा समरकंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? इसका आंसर होगा 1483 ईस्वी में फरगना में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंदेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? इसका आंसर होगा बाबर और मेदिनी राय के मध्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? इसका आंसर होगा तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? इसका नाम है बाबर, क्योंकि अपने पुत्र को अपनी उदारता के कारण कोहिनूर का हीरा दिया था, इसी के कारण उसको कलंदर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दीनपनाह नगर की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा हुमायूं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा बादशाह सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कराया? इसका आंसर होगा हुमायूं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? इसका आंसर होगा विक्रमादित्य की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर होगा अकबर ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? इसका आंसर होगा 1575 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भानुचंद्र चरित्र का की रचना किसने की? इसका आंसर होगा सिद्धचंद्र ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इलाही संवत की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा अकबर ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? इसका आंसर होगा 1562 में, अकबर ने। किस शासक ने नीरुद्दीन की उपाधि धारण की? इसका आंसर होगा जहांगीर ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? इसका आंसर होगा जहांगीर ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शासक ने न्यान के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगाई? इसका आंसर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर होगा शाहजहां ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? इसका आंसर होगा 22 वर्ष। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? इसका आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शासक ने अपने पिता को कैद में कर दिया था? इसका आंसर होगा औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? इसका आंसर होगा दक्कन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? इसका आंसर होगा शाहजहां ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिरसा का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आगरा में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हुई? तो यह औरंगजेब। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? इसका आंसर होगा शाहजहां ने। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में, आप लोगों को पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।